पढ़ेंगे जर्नल इंग्लिश 12th क्लास का फर्स्ट लेसन। खोलो, उस लेसन का नाम है टीच मी टू लिसन लाउड। बच्चों चाहो तो पेंसिल लेकर बैठो, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उन पर अंडरलाइन करके और उनके हिंदी मीनिंग साथ में ही लिखो तो ज़्यादा आसानी होगी दोबारा लेसन समझने में। शुरू करते हैं। टीच मी टू लिसन लाउड, टीच यानी सिखाना या सीखना, मी यानी मुझे, लिसन यानी सुनना, लाउड यानी ईश्वर। तो आपके लेसन का नाम हुआ मुझे सुनना सिखाओ भगवान या ईश्वर, ईश्वर मुझे सुनना सिखाओ। ये तो आपके लेसन का नाम हुआ। अब हम चलते हैं ब्लू बॉक्स की तरफ। उसमें लिखा है What is more important? To speak effectively, effectively के ऊपर underline करो, और to listen attentively, attentively पर भी बच्चों underline करो, फिर मैं उसका meaning बताती हूँ। What is more important? क्या महत्वपूर्ण है ज़्यादा? To speak effectively, effectively means प्रभावशाली पूर्ण। कवि कहते हैं कि क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रभावशाली ढंग से बोलना या किसी को ध्यानपूर्वक सुनना। Whom should we listen? हमें किसे सुनना चाहिए? How? कैसे? बच्चों ये तो हुआ ब्लू बॉक्स की लाइनों का मीनिंग। अब हम चलते हैं अबाउट द पोएम। अबाउट द पोएम बच्चों शुरू करते हैं। वी नो द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। हम जानते हैं सुनने का और लिसन यानि ध्यानपूर्वक सुनने के बीच के अंतर को। हियरिंग का मतलब है कोई भी ऐसी आवाज़ जिस पर हम ध्यान भी नहीं देते, जो हमारे कानों में आती है, और लिसनिंग का मतलब है जिस आवाज़ को हम ध्यान लगाकर सुनते हैं वो होता है लिसनिंग। तो कवि बोल रहे हैं वी नो द डिफरेंस, हम जानते हैं अंतर सुनने और ध्यानपूर्वक सुनने के बीच के अंतर को। इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड दैट Listening is a skill that is acquired through dedication and practice. ये सर्वव्यापी है या बड़े पैमाने पर स्वीकार कर लिया गया है या स्वीकृत है कि किसी को ध्यानपूर्वक सुनना एक कला है जिसके लिए बहुत सारी अभ्यास और समर्पण की आवश्यकता। It is said that a good person is invariably a good listener. ऐसा कहा जाता है कि एक अच्छा व्यक्ति निश्चय ही अच्छा श्रोता या अच्छा सुनने वाला भी होता है। The poem in the form of prayer tells us to be good listener. कविता जो हमारा लेसन है, जो कविता है वो एक प्रार्थना के रूप में है जो हमसे कहती है कि एक अच्छे श्रोता या अच्छे सुनने वाले बने। आगे चलते हैं बच्चों। वी शुड बिगिन बाय लिसनिंग टू दोज हु आर द नियरेस्ट। हम कविता में भी और हमें शुरुआत करना चाहिए उन लोगों को सुनने की जो हमारे करीब हैं। वी मे फाइंड आउट दैट, हम उन्हें ढूंढ सकते हैं। ऑल दो दे डू नॉट स्पीक इट लाउड, येट दे आर ऑल वॉन्ट आवर अटेंशन एंड रिकग्नाइजेशन। हो सकता है कि वो अपनी आवाज़ को जोर से बोलकर ना बता पाते हो, लेकिन वो चाहते हैं हमारा ध्यान
अपनी ओर आकर्षित करना और अपनी पहचान बनाना चाहते हैं या अपनी मान्यता को प्राप्त करना चाहते हैं। आगे है, द पोयम टेल्स अस टू हीड द वॉइस विच मे नॉट बी विद इन अवर ईयर। कविता कहती है, हीड यानी ध्यान लगाना। कविता कहती है कि हमें उन आवाज़ों पर ध्यान लगाना है विच मे नॉट बी विद इन अवर ईयर शॉट, जो हमारे कानों से टकरा कर लौट जाती है या हमें सुनाई नहीं देती। कविता कहती है कि उन आवाज़ों पर हमें ध्यान लगाना है, दे आर द वॉइस ऑफ द पीपल हु आर अपरेस्ड, हु आर सफरिंग एंड हु कैन नॉट टेल्स अस देयर वॉइस। कविता कहती है कि हमें उन आवाज़ों पर ध्यान लगाना है जो हमारी ईयर शॉट मतलब श्रवण सीमा में नहीं है, या जिन आवाज़ों जो आवाज़ें हमारे कान से टकरा कर लौट जाती है या जो हमें सुनाई नहीं देती, वो उन लोगों की आवाज़ें हैं जो पीड़ित हैं या किसी प्रकार के कष्ट को भोग रहे हैं, और जो सताए हुए लोग हैं, और वो कहते हैं कि वो हमसे अपने मुसीबतें बताना चाहते हैं। वी शुड रीच दैम एंड लिसन टू देयर प्लेयर। हमें उन तक पहुंचना चाहिए और उनकी प्लेहा यानी दलीलें या उनकी जो समस्याएं हैं उन्हें सुनना चाहिए। आगे है स्टूडेंट्स, कॉन्शियस इज द इनर वॉइस दैट वॉन्ट्स अस अगेंस्ट अ सिनफुल डे। कॉन्शियस के नीचे अंडरलाइन करो और लिखो, अंतर आत्मा हमारे अंदर की आवाज़ है। वॉन यानी सावधान, एस लगा है तो वॉन सावधान करती है हमें किसी भी पाप कर्म को करने के विरुद्ध, या हमारे अंतर आत्मा की आवाज़ हमें किसी भी पाप को करने से रोकती है या सावधान करती है। इट डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ये हमें उस अंतर को समझाती है कि क्या सही है और क्या गलत है। व्हेन वी डू रॉन्ग, जब हम कुछ गलत करते हैं, वी सेपरेट दिस वॉइस, हम इस अंतर आत्मा की आवाज़ को अनदेखा करते हैं। वी शुड इंस्टेड ट्रस्ट इट एंड लिसन टू इट। इसके स्थान पर हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को अनदेखा ना करके उस पर भरोसा करना चाहिए और उसे सुनना चाहिए। आगे है बच्चों, फाइनली द पोएट वॉन्ट अस टू लिसन टू गॉड्स वॉइस। आखिर में कवि चाहता है हमसे कि हम उस ईश्वर की आवाज़ को सुने, विच गाइड्स अस एवरीवेयर एंड ऑल द टाइम। कवि चाहते हैं कि आखिर में हम उस ईश्वर की आवाज़ को सुने जो हमें हमारा मार्गदर्शन करती है हर स्थान पर और हर समय। बच्चों, ये तो हुआ अबाउट द पोएम। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारी कविता इसी में ही समझ में आ जाएगी और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर भी। अब हम आते हैं बच्चों अपनी कविता पर। बच्चों, कविता शुरू करते हैं। टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज नियरेस्ट मी,
माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, माई को वर्कर्स हेल्प मी टू बी अवेयर दैट नो मैटर वॉट वर्ड्स आई हियर द मैसेज इज एक्सेप्ट द पर्सन आई एम लिसन टू मी. टीच मी टू लिसन लॉर्ड मुझे सुनना सिखाओ भगवान उन्हें जो मेरे करीबी हैं मेरा परिवार मेरे दोस्त और मेरे साथ में साथी कार्य करने वाले. हेल्प मी मेरी मदद करो उनके बारे में जागरूक रहने के लिए. नो मैटर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे ये शब्द सुनने को मिले लेकिन एक संदेश जो जानना चाहिए या मैं जो भी सुनूं मुझे वही संदेश मिले. एक्सेप्ट द पर्सन आई एम लिसन टू मी मैं जैसा भी हूँ मुझे स्वीकार करो और मुझे सुनो. अगला स्टेंजा है बच्चों टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज फार फ्रॉम मी द विस्पर ऑफ द होपलेस द प्लेयर ऑफ फॉरगॉटन द क्राई ऑफ एंग्यूस्ट. मुझे सुनना सिखाओ भगवान उन्हें जो मुझसे दूर हैं उनकी फुसफुसाहट निराश लोगों की फुसफुसाहट को सुनना सिखाओ. द प्लिया फॉरगॉटन भूल गए लोगों की दलीलों को सुनना सिखाओ. द क्राई ऑफ एंग्यूस्ट कराहते लोगों की या दुखी दुख से पीड़ित लोगों के कराहने की आवाज़ को सुनना सिखाओ भगवान. थर्ड स्टेंजे में है बच्चों तीसरा पैराग्राफ है टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू माई सेल्फ हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी. मुझे सुनना सिखाओ भगवान मुझे स्वयं को और जब मैं स्वयं को सुनूंगा तो मेरे अंदर की आवाज़ मुझे कम डरने में मेरी सहायता करेगी. टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड जो मेरे अंदर की आवाज़ है मैं उस पर विश्वास करूँगा क्योंकि वो मेरे अंदर का कहीं गहरा हिस्सा है. उसके बाद है टीच मी टू लिसन लॉट फॉर योर वॉइस. ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए आपकी आवाज़ को इन बिजनेस एंड इन बॉडम. जब मैं बहुत व्यस्त हूँ तब भी और जब मैं बोर हो रहा हूँ तब भी इन सर्टेनिटी एंड इन डाउट. जब मैं किसी चीज़ को लेकर बहुत निश्चिंत हूँ तब भी मुझे आपकी आवाज़ को सुनना सिखाइए और जब मैं किसी संदेह में हूँ तब भी ईश्वर मुझे आपकी आवाज़ को ही सुनना सिखाइए. इन नॉइज एंड इन साइलेंस जब मैं बहुत शोर में हूँ तब भी आवाज़ आपकी आवाज़ को सुन सकूँ और जब मैं शांति से अकेला हूँ तब भी आपकी आवाज़ को सुन सकूँ. टीच मी टू लिसन लॉर्ड मुझे सुनना सिखाइए भगवान. बच्चों ये तो हुआ हमारा लेसन. अब हम आते हैं अपनी क्वेश्चन आंसर्स वर्ड पावर पर. चलो पेज पलटते हैं. बच्चों कॉम्प्रिहेंशन पर आते हैं. फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखो किताब में कि मैंने सीधे आंसर हैं. पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ व्हाट मैसेज डू दोज हु आर नियरेस्ट गिव्स अस. क्या मैसेज है. मैसेज मीन्स क्या संदेश है जो हमारे करीबी हैं देते हैं. जो हमारे सबसे करीब है वो क्या संदेश देते हैं. इसका जो आंसर है वो आपके फर्स्ट वाले स्टेंजा में भी मिलता है. उसका मतलब है दे गिव द मैसेज दैट दे मस्ट बी लिसन एंड एक्सेप्ट एज दे आर. इसका मीनिंग ये हुआ कि वो संदेश ये देते हैं कि
वो आपका जो करीबी है, जैसा भी है, एक्सेप्ट एज दे आर। हमारे करीबी हमें यही संदेश देते हैं कि मैं जैसा भी हूँ मुझे स्वीकार करो और मुझे सुनो। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, हु आर द पीपल फार फ्रॉम अस। वो कौन से लोग हैं जो हमसे दूर हैं? तो इसका आंसर भी आपको सेकंड स्टेंजा में ही मिलेगा। द पीपल हु हैव नो रे ऑफ होप इन देयर लाइफ। वह व्यक्ति जिनको अपने जीवन में आशा की कोई भी उम्मीद नहीं बची है। हु आर फॉरगॉटन बाय सोसाइटी, जिसे समाज द्वारा भुला दिया गया है। एंड हु आर सफरिंग, और जो कष्ट में है, ये सारे लोग ही हमसे दूर हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हुम डस द पोइट विश टू ट्रस्ट। तीसरे प्रश्न का मतलब है कि कवि किस आवाज पर विश्वास करने के लिए कहता है? तो इसका उत्तर है, द पोइट वॉन्ट्स अस टू ट्रस्ट अवर इन वॉइस। कवि हमसे अपने अंदर की आवाज पर भरोसा या विश्वास करने के लिए कहता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डज द पोइट विश टू लिसन द वॉइस ऑफ गॉड। कवि कब ईश्वर की आवाज को ध्यान पूर्वक सुनने के लिए कहता है? कवि कहता है, द पोइट वॉन्ट्स अस टू लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड व्हेन वी आर वेरी बिजी। कवि, ये आंसर आपके लास्ट वाले स्टेंजा में मिलेगा। द पोइट वॉन्ट्स अस टू लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड व्हेन वी आर वेरी बिजी। जब हम बहुत व्यस्त हों और जब हम बोर हो रहे हों। व्हेन वी आर सर्टन अबाउट समथिंग, जब हम किसी चीज़ पर बहुत निश्चिंत हों। और आर इन डाउट, जब हम संदेह में हों तब भी। एंड व्हेन वी आर इन लाउड नॉइज और इन साइलेंस, जब हम बहुत शोर में हों या हम एकदम शांति में हों। हम ईश्वर की, कवि कहता है कि हमें इन सब के साथ ईश्वर की आवाज़ को सुनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू सपोज द होपलेस एंड फॉरगॉटन एंड एंग्यूस्ड वांट टू टेल अस। कवि कहता है कि ये जो लोग हैं, जो निराश लोग हैं, जो समाज द्वारा भुला दिए गए हैं, या जो परेशान लोग हैं, वो हमसे क्या कहना चाहते हैं? तो इसका उत्तर है, दे वॉन्ट टू टेल अस टू गिव देम अवर सपोर्ट लव एंड केयर। ये सारे लोग हमसे कहना चाहते हैं कि हम उन्हें अपना, हम उनकी सहायता करें, उनसे प्यार करें और उनका, उनकी देखभाल करें। उसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, हाउ कुड लिसनिंग टू वंस इन अ वॉइस बी हेल्पफुल। कैसे अंतर आत्मा की आवाज़ को सुनना हेल्पफुल, मददगार हो सकता है? इसका उत्तर है, अवर इनर वॉइस बिकमिंग लेस अफ्रेड। जब हम अंतर आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं तो हमें डर थोड़ा कम लगता है, या हम डर से थोड़े मुक्त हो जाते हैं। एंड गिव अस प्रॉपर गाइडनेस, वो आवाज़ हमें हमारा मार्गदर्शन करती है। और आखिरी क्वेश्चन है बेटा, आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज़ द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम। इस कविता का कुल मिला के क्या कहना चाहते हैं कवि इस कविता के माध्यम से? तो इसका उत्तर ये है, द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम इज दैट ऑफ लव केयर एंड डिवोशन टू ह्यूमैनिटी एंड टू गॉड। इस कविता का जो कवि कुल मिलाकर हमें ये कहना चाहते हैं कि
इस कविता के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि हमें प्यार करना है, ध्यान देखभाल करनी है, समर्पण करना है उस इंसानियत के प्रति और उस ईश्वर के प्रति। तो क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं आपके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और बच्चों, फिर अगला जो लेसन है वो दूसरे वीडियो में लेकर आती हूँ। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए एंड टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।